नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डेली डोज ऑफ फाइनेंशियल फन में। मेरा नाम है निखिल और हम हैं स्ट्रैटजी यूट्यूब पर। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए सीधा शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि इस वीकेंड को इंडिया में क्या शुरू हो गया, आईपीएल। इंडिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे क्रिकेट या तो बॉलीवुड से प्यार ना हो, लेकिन आपको और हमको प्यार है सिर्फ स्टॉक मार्केट से। तो आज हम समझेंगे कि आईपीएल की वजह से कौन कौन से स्टॉक्स में रह सकती है हलचल, और कौन कौन से स्टॉक्स में आपको रखनी चाहिए नज़र, कौन कौन से सेक्टर्स में आपको रखनी चाहिए नज़र, क्योंकि उसके अगले क्वार्टर की अर्निंग्स में आईपीएल की वजह से हो सकता है बूस्ट बूस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कंपनी TV18 ब्रॉडकास्ट की, विच इज़ नाउ अ रिलायंस ओन्ड नेटवर्क 18 सब्सिडरी। मुकेश अंबानी जी ने पिछले ही साल आईपीएल के राइट्स लिए थे 205 बिलियन INR में, यानी 205 करोड़, 205 करोड़ में आईपीएल के राइट्स लिए थे जियो सिनेमा ऐप पे, जिन्होंने अपना वही जियो मॉडल पे अभी तक सब कुछ फ्री कर रखा है। आप फ्री में आईपीएल देखो यार, फ्री में देखो। मैं तो एड रेवेन्यू से पैसे कमाऊंगा, आप फ्री में देखो जितना देखना है, एड्स भी देखो, क्योंकि मैं तो अब एड रेवेन्यू से पैसे कमा रहा हूँ। स्टॉक में फिलहाल तो काफ़ी टाइम से कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहा, लेकिन अभी इस सीज़न की वजह से काफ़ी एड रेवेन्यू मिला के बूस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखें तो हमारा जो प्रेफरेंस है वो टीवी से हट के अब प्लेटफॉर्म्स पे जा चुका है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स हो, नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी हॉटस्टार हो, अमेजोन हो। अब हम टीवी कम देखते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कंपनीज भी अपनी एडवर्टाइजिंग टीवी से हट के इन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा करते हैं, तो इन सब का फ़ायदा इन प्लेटफॉर्म्स को वहाँ से मिलता है। उसके बाद जो एक सेक्टर है जहाँ पे आपको इफेक्ट दिख सकता है आईपीएल का, जिस ट्रैवलिंग में हमारा एविएशन सेक्टर, बट उसमें दोनों ही आ जाती है, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक भी है, नेक्स्ट सेगमेंट होटल स्टॉक्स। तो इन सब में बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट या आई वुड से बूस्ट देखने को मिलेगा। देखिए, इन चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि कोई इमीडिएट इफेक्ट मिल जाएगा। एक मिनट, ज़रा मेरी चार्जिंग ख़त्म हो रही है, मेरी मतलब मेरे लैपटॉप की ख़त्म हो रही है, तो मैं ज़रा चार्ज लगा जी। तो कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं पता चलता, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स में आपको ज़रूर एक सिग्निफिकेंट स्केलेबल अमाउंट का डिफ्रेंसिएशन दिखता है, जो कंपनीज को काफ़ी अच्छा फ़ायदा करके जाता है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं, जिससे वो उनका अपर मैनेजमेंट उनको ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है ये सारे इवेंट्स। तो एविएशन सेक्टर प्लेयर्स घूमेंगे, नॉट जस्ट प्लेयर्स, टीम्स, मैनेजमेंट, बट व्यूअर्स, बहुत लोग मैच जाके देखते हैं, सेलिब्रिटीज, एवरीवन। तो ये सेक्टर तो रहेगा ही, एंड साथ में होटल स्टॉक्स भी। एंड सिर्फ नॉट जस्ट इम्पैक्ट ऑफ आईपीएल, बट सिंस अभी बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, दिस इज दो सीजन जहाँ पे समर वेकेशन भी चालू होगा, सब घूमने जाएंगे, तो ये सीज़न में होटल स्टॉक्स और एविएशन ना बढ़े ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप ज़रा नज़र बनाए रखना इस सेक्टर में और उनके अंदर अच्छे अच्छे स्टॉक्स। फिर हमारा आ जाता है डेली डायनामाइट। डेली डायनामाइट है हमारा जोमैटो, जोमैटो, जोमैटो जैसे आपको उसे पुकारना है। स्टॉक तो जा चुका है अपने ऑल टाइम हाई पे, आज ही नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए 182। इसमें उनका मार्केट कैप तो जा चुका है भैया 1.5 लाख करोड़ के भी ऊपर। उनका जो एक क्विक कॉमर्स आर्म है जैसे ब्लिंकिट, वो लोग अपने डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ा रहे हैं NCR एंड मेट्रो रीजन्स में, मुंबई में, यहाँ पे ही, यहाँ की जनता के पास एक्चुअली पैसा भी है, यहाँ से इनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी आते हैं।
यहाँ की जनता का इनकम ग्रुप काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ से वो लोग ये चीज़ से फ़ायदा ही होगा, मतलब कोई अपना ऑर्डर देना बंद नहीं कर देगा अगर 11 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, बट कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ब्लिंकिट के सीईओ कह रहे हैं कि भैया हमारे तो ऑर्डर्स पर मिनट और एट ऑल टाइम हाई, सारे मेट्रिक्स कंप्यूटर की स्क्रीन से ऊपर ही जा रहे हैं, कंपनी बहुत धांसू चल रही है, मज़ा आ रहा है। और जोमैटो कह रहा है कि हमें तो भैया आईपीएल का फ़ायदा होगा, और ऐसा होता ही है। इनफैक्ट आप देखोगे कि न्यू ईयर के टाइम पे जोमैटो हो या फिर उसका ही पार्टनर पार्टनर इन द सेंस कॉम्पिटिशन स्विगी, विच इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी, उनके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं न्यू ईयर पे, फेस्टिवल्स पे, जब कोई ऐसा इवेंट है कि जहाँ पे लोग आके मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो खाना तो बाहर से ही आएगा, तो ये कंपनीज का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और जैसी जैसी स्टॉक बढ़ता है तो भाई साहब सारी ब्रोकरेज हाउसेस, सारी एजेंसीज, सारे रिसर्च एनालिस्ट सभी स्टॉक देने लग जाते हैं, टारगेट 200 190 पहुँच चुका है। उसके अलावा ये भी थोड़ी पर्सनल खबर है सीईओ के, जोमाटो के सीईओ के बारे में, जो कि उनकी पर्सनल लाइफ है, तो हमें क्या, किसी और को क्या, उसे कंपनी का तो कुछ हो नहीं रहा, हम तो कंपनी की बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये कंपनी बढ़िया चल रही है। उसके बाद हमारा आज का, तो आज का वर्ड ऑफ द डे है, क्योंकि हम जोमेटो की बात कर रहे थे, उसके मिलते जुलते कंपनी या जिन कंपनीज के साथ वो काम करती हैं उसके बारे में, विच इज QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट क्या होता है कि जब आप जाते हो डिनर करते हो और बैठते हो आराम से, देख रहे हो सामने वाले को, बातें कर रहे हो, आप 2 घंटे बैठो, 2.5 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, आराम से रात का मज़ा लो, शाम का मज़ा लो। लेकिन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स स्पेसिफिकली होते हैं फास्ट फूड चेन्स, जिनका कॉन्सेप्ट ही होता है जल्दी से लोगों को खाना खिला के भेजो, कि हम हमारी स्पेशलाइजेशन है हमारे प्रोसेसेस में, जो खाना तुरंत बनाती है और तुरंत देती है, फिर बोलती है भैया तुरंत जाओ, यहाँ पे जगह कम है। तो ऐसी कंपनीज में मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, डोमिनो, जो कि बाहर की कंपनीज है पर उनके ही उनकी इंडियन कंपनीज भी हैं, जिन्होंने उनके इंडिया की कुछ कुछ चेन्स ले रखी हैं, डिवाइड कर रखा है इंडो, नॉर्थ में ये कंपनीज हैं जैसे सफायर फूड्स, उस मतलब नॉर्थ साउथ में उनका डिवाइड हो रखा है, सफायर फूड्स, दिव्यानी, इनके पास कुछ चेन है, इनके पास जुबिलेंट, ये सारी कंपनीज हैं। तो आज का वर्ड था QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अब हम हर रोज़ ऐसे एक नए शब्द की बात ज़रूर करेंगे ताकि आपकी नॉलेज ऐसे बढ़ती रहे, और कभी आपको नॉलेज का तो लॉस ना हो हमारे वीडियो देख के। उसके बाद लाफिंग विद लॉसेस, आज का मीम्स, आज वैसे ज़्यादा मीम्स हैं नहीं, बट देख लेते हैं। क्या खबरें चल रही हैं ब्रोकर पे? ओके, लोग किसी एक ब्रोकर से, ग्रो से परेशान होते हैं। यूट्यूब वीडियो, यू थिंक यू हैव प्रॉब्लम्स, नारायण मूर्ति's 4 मंथ ओल्ड ग्रैंडसन लॉस 9.8 करोड़ इन लास्ट 5 डेज। यार एक तो मुझे ये लोग नहीं पसंद जो हर दिन अपना डेज PNL देखते हैं और बोलते हैं आज तो मेरा लॉस हो गया, कितना, 2 लाख का, कैसे, मेरी जो पोर्टफोलियो वैल्यू थी गिर गई ना वो, मैंने कहा अच्छा। तो भैया अगर आप ऐसे हर दिन ही अपने पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का लॉस प्रॉफिट गिनते रहोगे तो हो गया काम, जब तक वो पोर्टफोलियो से डिविडेंड आएगा तब तक तो आप हार्ट अटैक से ही। सेल हाउस एंड बाय स्टॉक्स, पेरेंट्स कैन लिव इन योर डीमेट अकाउंट, चेंज माई नेम,
स्लो पर इतने पागल हो जाओ यार कि घर वर भी जरूरी है। ओके तो आज मार्केट में सब कुछ ही रहा लाल लाल लाल। थोड़ी बहुत हमें बजाज फाइनेंस में तेजी देखने को मिली, बाकी आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने काफी नीचे भेजा मार्केट को। रिलायंस भी ऑलमोस्ट 1% डाउन। पीएसयूज में तो रही तेजी, देखिए कोल इंडिया, ओएनजीसी, इलेक्शन भी आ रहे हैं तो जरा इस सेक्टर में पीएसयू स्टॉक्स में रहे इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड मतलब न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इन्वेस्टेड है, बाकी आपको रहना है नहीं रहना। आईटी में गिरावट बरकरार, विप्रो, इंफोसिस सब डाउन। कंज्यूमर मार्केट्स में भी डाउन चल रहा है। फार्मा तो पता नहीं कब से ही डाउन चल रही है, बस भारतीय एयरटेल। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड, आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए मार्केट तो होता रहेगा ऊपर या नीचे, लेकिन जब तक हम साथ हैं तब तक आपके फाइनेंशियल नॉलेज की जर्नी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मार्केट की राइड को करें एंजॉय, एंजॉय। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।